Hello everyone. So today I'm going to our question number first. The average of six number is x and the average of three of these is y. If the average of the remaining three is z, then I'm reading the question in Hindi. छह संख्याओं का औसत x है और उनमें से तीन का औसत y है. यदि शेष तीन का औसत z है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. So for solving this question, हमें क्वेश्चन ने कहा है कि average of the six number is x. So हमने यहाँ पे mention कर लिया है the average of the, हमने let कर लिए हैं six numbers a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 plus a6. ये हमारी let कर लिए हैं. इनकी average क्या है? x है. इसको solve करेंगे तो ये six हमारा divide से यहाँ पे multiply में आ जाएगा. So the sum of the six number is 6x. Similarly we also, जो हमने यहाँ पे कराया है वही हमें same यहाँ पे थ्री नंबर्स के साथ करना है. वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है. The sum of the three of these six number is 3y and sum of the next three number remaining number is 3z. अब हमें अपनी इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन मेक करनी है. तो फॉर मेकिंग द इक्वेशन हमें क्वेश्चन में इजीली मेंशन है ये जो सिक्स नंबर्स हैं इज इक्वल्स टू इनका सम क्या है 6x है. इन्हीं में से तीन नंबर लेके वो 3y हो गए हैं. फिर रिमेनिंग थ्री मतलब a4 प्लस a5 प्लस ए सिक्स इनको लेने के बाद वो हमारा हो गया है 3z. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी ए 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6x. इसको हम सॉल्व आउट करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे देन डिवाइड कर देंगे 6 से तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू y प्लस z. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ 100 मीटर रेस एक 100 मीटर की रेस है ए कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड. ए ने 100 मीटर कवर करे हैं 36 सेकेंड में एंड बी कवर इन 45 सेकेंड. बी ने 100 मीटर कवर करे हैं 45 सेकेंड में. इन दिस रेस ए बीट्स बाय बीट्स बी बाय. इस रेस में ए ने बी को बीट्स करा है कितने से. हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं. 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकेंड में और बी 45 सेकेंड में दूरी को तय करता है तो दौड़ में ए बी को कितने से हराता है. हमें इसमें बताना है दौड़ में ए बी को कितने से हराता है. देख लेते हैं सॉल्यूशन. 45 सेकंड में बी ने 100 मीटर कवर करे थे. बी ने कितने सेकंड ज्यादा लिए थे 9 सेकंड. तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है. 9 इज इक्वल टू एक्स हम लेट कर लेते हैं. तो फाइंड आउट करने के लिए हमने 100 अपॉन 45 यहाँ से लिया है एंड देन इंटू 9. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स में एंड 5 हमारा ये 100 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 20 मीटर. सो हमारा आंसर है 20 मीटर. यू कैन टेक द ए ऑप्शन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम रीडिंग फॉर यू. द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार विषम पूर्णांक के वर्ग का अंतर हमेशा से विभाजित होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ने हमसे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कहे तो हम लेट कर लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर. सो ये हमने लेट कर लिए हैं 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 ऑड इंटीजर्स बोले हैं. सो इसलिए हमने 1 एंड 3 लिए हैं. नेक्स्ट अब क्वेश्चन कह रहा है इनके स्क्वायर्स इनको स्क्वायर करना है. बिटवीन द स्क्वायर्स हमने इनपे स्क्वायर भी कर दिया. 2x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस. ओके इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इजीली दे सकते हैं हमारा 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर से. 12x में से अगर हम 4x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8x एंड 9 में से हम अपना 1 माइनस करेंगे तो वी गॉट प्लस 8. ओके और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है. अब देखो इसमें से हमारा 8 कॉमन बाहर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में भी बचेगा 8x प्लस 1. सो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था डिफरेंस द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. सो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8. सो आवर करेक्ट आंसर इज 8. सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now move forward to the next question. The mean of the 50 observation was 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. The correct new mean is.
क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो 50 प्रक्षेपणों का माध्य 36 था, बाद में यह पाया गया कि एक प्रश्न में 48 के स्थान पर गलती से 23 लिया गया है, तो संशोधित नया माध्य होगा। अब इसमें गलती से मतलब बाय मिस्टेक हमने 23 ले लिया था, लेकिन हमें लेना था 48। इसका सॉल्यूशन वी हैव टू सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें सिंपली हमने यूज करा है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 36 है, एंड द सम ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमने 50 × 36 अगर हम करेंगे तो हमारे पास सम भी आ जाएगा। सो करेक्ट मीन निकालने के लिए हमने जो हमारा सम है, सम में से मतलब 1800 में से हमने माइनस कर दिया 23 को, और जो करेक्ट नंबर है 48 उसको हमने एड ऑन कर दिया, देन भी हमने इसको डिवाइड कर दिया 50 से। हमने जब ये 1800 माइनस 23 प्लस 48 करा तो वी गोट आर 1825, एंड देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी गोट 36.5। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हमने फॉर्मूले का यूज करा है, हम इसको सिंपली भी समझ सकते हैं, मैं आपको सिंपली समझाऊंगी। जो 48 है हमारा करेक्ट, ओके 48 हमें लेना था, बट हमने गलती से क्या ले लिया था 23। सो हम इसमें सिंपली 48 है जो करेक्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना 23 को जो हमने रॉन्ग ले लिया था। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25। वी गॉट 25। तो अगर हम इस 25 का मीन निकाल लें और जो हमारा करेक्ट मीन था पहले, इस मतलब 50 ऑब्जर्वेशन का मीन हम पे क्या था 36, जो करंट मीन है उसके अंदर हम इसका मीन निकाल के ऐड कर दें तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो 25 का मीन कैसे निकालेंगे, 25 का मीन निकालने के लिए हम 25 अपॉन 50 कर देंगे। सो 25 डिवाइडेड बाय 50, सो हमें आंसर मिलेगा 0.5। मीन्स अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। सो अभी 0.5 को अगर हम 36 में प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 36.5, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In this we have to correct our option number C, 36.5. Now this is the end for this video. So thank you so much for watching this video.